हेलो फ्रेंड्स, ज्योति टेस्टी ट्रीट में सबका स्वागत है। गाजर का सीजन है और गाजर के हलवे के अलावा हम और क्या स्वीट डिश बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। ये रेसिपी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो प्लीज इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी और डिफरेंट रेसिपीज आपके लिए लाती रहूंगी। मीठा खाने का मन हो और झटपट कुछ बनाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और ये बनाना भी बड़ा आसान है। तो चलिए जानते हैं कि रेसिपी कैसे बनी। मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसमें हमें एक उबाल आने देना है। तो चलिए गैस की फ्लेम को करते हैं मीडियम और इसमें उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आ गया है। मैंने ये 150 ग्राम गाजर ली थी और उसको कद्दूकस कर लिया था, तो इसे हम डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। अच्छे से हमें चलाते जाना है इसे। और अब हमें गाजर को गलने देना है दूध के साथ में। बीच बीच में ऐसे चलाते रहिएगा जिससे कि दूध तले में ना लगे। और अभी हमें दूध को थोड़ा गाढ़ा होने देना है। दूध देखिए गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। इसे हमें चलाते जाना है। तो चलिए अब हम इसे उबलने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। मैंने एक छोटा चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कस्टर्ड का लम्स फ्री घोल तैयार हो गया है। अब हमें कस्टर्ड को धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करना है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक चम्मच इलायची पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे 5 मिनट और उबलने देना है। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है ये। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद में इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्वीट डिश बनके बिल्कुल तैयार है। लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, बनाना भी बड़ा आसान है, जल्दी से बन भी जाती है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे थोड़ा ठंडा करके खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक थैंक यू, बाय बाय।